मैं कुछ पंक्तियां पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमारा प्यारा भारत वर्ष, जगत से न्यारा भारत वर्ष, हिमालय मुकुट शीश श्रृंगार, हृदय गंगा यमुना का हार, नील सागर पद रहा पखार, नयन का तारा भारत वर्ष, हमारा प्यारा भारत वर्ष। आज हम लोग भाषा किरण में पाठ मैं और मेरा देश का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इस पाठ के लेखक कौन हैं? श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अब आप लोग अपने अपने पुस्तकें खोल लीजिए। अच्छा, पहले मैं वाचन करूंगी, ध्यान से सुनिएगा। कठिन शब्दों का उच्चारण अच्छी तरह से सुनिएगा और उसके बाद आप लोग इसका वाचन करेंगे। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल न मिले। उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी, वहां भी उन्होंने फलों की खोज की किंतु पा न सके। उनके मुख से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, उसने ये शब्द सुन लिए। सुनते ही वह भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल ले आया। उसने वे फल स्वामी रामतीर्थ को भेंट किए और कहा, लीजिए, आपको फलों की जरूरत थी। स्वामी जी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है। उन्होंने उससे फलों के दाम पूछे, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव न जाने कितना बढ़ा दिया। आशुतोष, आप पढ़ें। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वो रेल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनको उन्हें खाने के लिए फल ना मिले। उन दिन फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी, वहां भी उन्होंने फल की खोज की किंतु पा ना सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। ठीक, अभिषेक, अब आप पढ़ें। एक बात का ध्यान रखिएगा कि धीरे धीरे स्पष्ट उच्चारण से पढ़िएगा। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने ये शब्द सुन लिए। सुनते ही वह भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल ले आया। उसने वे फल स्वामी रामतीर्थ को भेंट किए और कहा, लीजिए, आपको फलों की जरूरत थी। बेटे, फल नहीं होता, फल, बोलिए फल। फल, हाँ, ठीक है। प्लेटफॉर्म, बोलिए प्लेटफॉर्म। ठीक है, आगे सिल्की, आप पढ़ें। स्वामी जी ने समझा या कोई फल बेचने वाला है। उन्होंने उससे फल के दाम पूछे, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। उस युवक ने उस अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव न जाने कितना बढ़ा दिया। स्वामी रामतीर्थ किस देश की यात्रा करने को गए थे? स्वामी रामतीर्थ जापान की यात्रा करने के लिए गए थे। हाँ, उस समय उनका भोजन क्या था? उस समय उनका भोजन फल था। फल था, फल था। फल न देख करके स्वामी रामतीर्थ ने क्या कहा? सिल्की, आप बोले। फल, फल
फल न देखकर स्वामी रामतीर्थ ने ये कहा कि शायद जापान में अच्छे फल ना मिलते हों। हाँ, फलों को न पाकर स्वामी रामतीर्थ बोले कि जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते हैं। वहाँ पर एक जापानी युवक खड़ा था। ये सुन करके जापानी युवक ने क्या किया? उसने एक टोकरी भर फल लाके उनको भेंट किए। स्वामी जी द्वारा उस युवक को फलों का मूल्य दिए जाने पर उस युवक ने क्या उत्तर दिया, कौन बताएगा? उस जापानी युवक ने कहा, अगर आपको इसका मूल्य देना ही है तो आप अपने देश में जाकर किसी से यह ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। ठीक, देश का गौरव कैसे बढ़ता है? सिल्की, आप बताइए। देश का गौरव अच्छाइयों से बढ़ता है। किसी कवि ने कहा है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। तो हम लोगों को अपने देश के गौरव बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? अभिषेक, आप बोले। हमको अच्छे काम करना चाहिए। हमको अच्छे काम करना चाहिए। अच्छा, आगे इसमें दूसरी घटना का वर्णन किया गया है, उसे देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि किन कार्यों से हम अपने देश के सम्मान को घटाते हैं। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान दूसरी घटना सुनकर ही पूरा लगाया जा सकता है। किसी देश का एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए लाया। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। इन चित्रों को उस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिया और पुस्तक वापस कर दी। किसी जापानी विद्यार्थी ने उसे देख लिया और पुस्तकालय को उसकी सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, पर मामला यहीं तक नहीं रुका और उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का प्रवेश तो वर्जित है ही, उसके देश के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित है। जहां एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया था, वही दूसरे युवक ने अपने काम से अपने देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो न जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहा। हम यह समझ लें कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर ही कलंक का टीका नहीं लगता, बल्कि देश का भी सिर नीचा होता है और उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही सिर नहीं ऊंचा होता, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं, आओ उन शब्दों को देखें, उनके अर्थ को जानें और उनके प्रयोग को सीखें। एक कठिन शब्द है आग्रह। आग्रह शब्द का अर्थ बता सकते हो? अभिषेक, आप बताएं। अनुरोध। हाँ, आग्रह शब्द का अर्थ है अनुरोध करना, है ना। दूसरा एक कठिन शब्द है मुग्ध। पहले इसका उच्चारण करें आशुतोष। मुग्ध। मुग्ध शब्द का क्या अर्थ है? सिल्की, आप बताएं। मोहित। हाँ, मोहित होना। मुग्ध का अर्थ है मोहित होना। एक शब्द आया है दुर्लभ। दुर्लभ चित्र। दुर्लभ शब्द का अर्थ बता सकती हैं? नीरा, आप बताएं। कठिनाई से प्राप्त। हाँ, दुर्लभ। दुर्लभ के पहले दुर उपसर्ग लगा हुआ है। दुर का अर्थ होता है कठिनाई से। दुर्लभ माने कठिनाई से प्राप्त। दुर्लभ शब्द का क्या अर्थ हुआ अभिषेक, बताएं? कठिनाई से प्राप्त। और एक शब्द इसमें है वर्जित। वर्जित शब्द का क्या अर्थ है? मना। हाँ, वर्जित शब्द का अर्थ है मना होना। वर्जित माने कहीं से जाने से मना करना, निषेध करना। देखिए, पुनः इसको देखे। आग्रह शब्द का अर्थ है अनुरोध। मुग्ध शब्द का अर्थ है मोहित।
दुर्लभ शब्द का अर्थ है कठिनाई से प्राप्त और वर्जित शब्द का अर्थ है मना। ठीक, एक और शब्द आया है वह है लांछित। हाँ, लांछित शब्द का अर्थ है निंदित, हीनता का अर्थ है छोटा या नीचता, श्रेष्ठता का अर्थ है उत्तम होने का भाव, उत्तम होने का भाव, बहुत अच्छा होना का भाव को क्या कहते हैं श्रेष्ठता। श्रेष्ठता बोलिए आप, श्रेष्ठता। श्रेष्ठता का अर्थ क्या है उत्तम होने का भाव। प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है गौरव सम्मान। हाँ, देश की प्रतिष्ठा बढ़ाना, देश का गौरव बनाना। इस पाठ में दो मुहावरे आए हैं। एक मुहावरा है कलंक का टीका लगाना। कलंक का टीके लगाने का क्या अर्थ होता है बदनामी कराना। युवक ने पुस्तक से दुर्लभ चित्रों को फाड़कर अपने देश पर कलंक का टीका लगाया, अर्थात अपने देश की बदनामी कराई। सिर ऊंचा होने का अर्थ क्या है सम्मान होना। सम्मान होना। जापानी युवक ने फलों का मूल्य न लेकर अपने देश का सिर ऊंचा किया, अर्थात अपने देश का गौरव बढ़ाया। तो सिर ऊंचा होने का अर्थ क्या है गौरव बढ़ाना, सम्मान बढ़ाना। और कलंक का टीका होने का क्या अर्थ है बदनामी कराना। पढ़े पढ़ाएं तकदीर बनाएं।